जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमनावा। यकीन जानिए हौसला नहीं पड़ रहा था आपके घर को देख के, आपकी बेगम साहब को देख के मेरे भांजे में ये हिम्मत हुई ना ही मुझ में कि हम आपसे हम आपको इतनी बुरी खबर दे सके। हमें माफ कर दीजिए, हम पे शुबा मत कीजिए, शक मत कीजिए, हमारी नियत बिल्कुल साफ। माफ कर दू मैं, माफ कर दू भाई, मेरा दर्द से सीना फट जाएगा। हार कह रहे हैं माफ कर दू, मेरा बेटा मर गया आप मुझे बता रहे हैं, मैं माफ कर दू। आपकी ये बात सुनकर पता नहीं मेरी सांस रुक क्यों नहीं गई। कह दीजिए ये झूठ है भाई, कह दीजिए ये झूठ है। सबर कीजिए बराबर भाई, कैसे सबर करूं उसकी जगह। आ जाओ, आ जाओ, आओ बैठो। लो बिया, बिस्मिल्लाह करो। अरे अरे नहीं, आप खाए ना, है ना उनकी प्लेट उनके सामने। वो खुद ही अपनी मर्जी से डालेगी ना भैया, ले लो ना, शाफे के लिए भी डाल लो, मुझे ले खाए ना, शुरू करें। ना बाबा ना, मैं तो आज से बर्तन अलग कर रही हूं, देखो ना जितने मर्जी धो ले, शाफे और बिया के हाथ लगे हुए हैं, जरासीम तो नहीं जाएंगे ना, और मैं नासिर को भी नहीं उनमें खाने दूंगी, इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना। हाँ ये तो सही कहा, हाँ। बर्तन उधर रख। शाफे क्या हुआ है, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? भूख नहीं है मुझे, मैं नाश्ता नहीं कर रहा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुझसे खाया नहीं जाएगा। भैया मैं देखती हूँ, आप ले ना। चुप साथ और हमसे अपना चेहरा छुपा लिया है। रोए मेरा बच्चा, एक बार अपना चेहरा दिखा दे, अपनी आवाज सुना दे। रोए रोए
बेटा तू तो मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने का वादा करके गया था, तूने कहा था कि अब मैं वापस आऊंगा तो आपके हर दुख का मदावा करूंगा, तूने तो मुझसे मेरे जीने की उम्मीद भी छीन ली मेरा बेटा, तूने तो मेरी कमर तोड़ दी बेटा, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा, किसके आश्रय पे जीऊंगा, बोल मेरा बच्चा, बोल मेरा बेटा, बोल मेरा बच्चा, बोल मेरा बेटा, बोल मेरा बच्चा। बोल बोल मेरा बेटा, मेरे बाप में आ जा मेरा बेटा, मेरे बाप मेरा बेटा, बोल मैं किसकी खुशियां देखने के लिए जीऊंगा, सब्र करे बहन, अल्लाह की यही मर्जी, सब्र करे। सब्र की तलकीन करना बहुत आसान है और सब्र करना उतना ही मुश्किल। जिस माँ का जवान बेटा मिट्टी के नीचे दब गया हो, भला वो कैसे सब्र कर सकती है। अभी आपका बेटा आपके साथ है ना, अल्लाह ना करे वो कल आपसे जुदा हो गया ना, फिर पूछूंगी सबर किसे कहते हैं। मेरा शेर बेटा पता नहीं कब मिट्टी के नीचे चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। रोए मैं समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ आपका दर्द। शाफे अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। कितनी बार अस्पताल जाऊंगा मैं भैया, ये तो तुम भी जानती हो, अब अस्पताल में मेरा इलाज नहीं है। शाफे क्यों करते हैं आप इस तरह की बातें? सच पूछें तो मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा है शाफ़ी, मुझे अपना कमरा याद आ रहा है, मैं इस घर में बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। प्लीज हम अपने घर वापस चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? को खुदा का खौफ है कि नहीं है? छोड़ो इसे,
क्या लगता हो तुम उसके? बीवी है ये मेरी, और आप सब लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ये सलूक करने की? ये बदकिरदार और बदजात औरत तुम्हारी बीवी है, जानते भी हो इसको कितनी गलीज बीमारी है? जानता हूं मैं। आप लोग तमीज से बात करें। चलो निकालो इन लोगों को यहां से बाहर। मगर भैया, अगर मगर कुछ नहीं शाफे, क्या आप नहीं चाहते कि इन दिनों में मेरी सास मेरा ख्याल रखे, मेरे नखरे उठाए? सब जानता हूं मैं, ये तुम क्यों इतना इमोशनल मुझे कर रही हो सब समझ रहा हूं। तो हो जाना इमोशनल, और वैसे भी आप कम इमोशनल है। बस ठीक है, हम घर जा रहे हैं और अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मैं अभी पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। भैया का दिल तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है, उसने माफ कर दिया है मुझे। शाफे बेटा, मैं तुम्हारी नहीं माँ, मेरे साथ चलूंगा अपने घर। चलो शाफे। तब रेस तुमने देखा, रोहिल की माँ कैसे पागलों की तरह दीवानों की तरह रो रही थी, क्या हशर हो गया उसे। मेमुना, जिस माँ का जवान बेटा खामोशी से इस दुनिया से चला जाए और उसके माँ बाप उसका आखिरी दीदार भी ना कर सके, तो वो पागल नहीं होंगे तो और क्या होंगे। खुदा ना खास्ता अगर मेरे शाफे को मेरे सामने कुछ हो गया, मैं तो मर जाऊंगा। मेमुना ऐसी बातें मत करो, अल्लाह ताला हमारे शाफे को लंबी उम्र दे। अल्लाह करे उसे मेरी भी उम्र लग जाए। या मैं अंदर आ जाऊं? भैया जी, भैया पैकिंग हो गई। मैं बहुत खुश हो गया, तुमने बहुत सही फैसला किया है अपने घर वापस जाने का। भैया ने मुझे कन्विंस किया नासिर भाई, वरना मेरा तो इरादा यहां से कहीं और जाने का। कहीं और कहां? सोचा था कि मैं और भैया यहां से कहीं दूर जाके अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेंगे। दूर क्यों शाफे, जब हमारे पास इतने प्यार करने वाले रिश्ते हैं तो हम क्यों दूर जाएंगे? सही कहा तुमने भैया, और वैसे भी मियां बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, खुशी हो या गम दोनों एक साथ ही होते हैं, एक साथ ही रहते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को इस आजमाइश में हिम्मत दे और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बस उठाना थी। चले बाजी, मुझे लगता है कि शाफी और ममूना बेगम को ना हमारी कुछ बातों का पता चल गया। कौन सी बातें? ओ बाजी, वो कल किचन में आप कह नहीं रही थी
कि शाफे और बिया की बीमारी से आपको घिन आती है। उसी वक्त वो वहां पे आ गई होगी, ममुना बेगम, और सुन लिया होगा उन्होंने। ऐसे कैसे हो सकता है, वो किचन में थोड़ी ना आई थी। ले दस अबा जी, और आप कितना ऊंचा ऊंचा बोलती पता है आपको? और वो जो बर्तन बदल दिए थे कल, याद नहीं है? लो भैया, बिस्मिल्लाह करो। अरे अरे नहीं, आप खाए ना, है ना उनकी प्लेट उनके सामने। वो खुद ही अपनी मर्जी से डालेगी ना। भैया ले लो ना, शाफे के लिए भी डाल लो। क्या हुआ था? शाफे ने तो खाना ही नहीं खाया था जब बर्तन उठा लिया था सामने से। तो क्या हो गया जो मैंने ऐसा कर दिया? भाई मैं नहीं खा सकती ना किसी के झूठे बर्तनों में। मुझे तो कराहत आती शाफे और बिया से। तौबा तौबा, खुदा ना खास्ता वो गंदी बीमारी हमें लग जाए, फिर मैंने मरना थोड़ी ना है। तापिंडा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर घटिया निकलोगे। तुम बिया और शाफे के बारे में ऐसा सोचती और ऊपर ऊपर से झूठी मोहब्बत दिखाती। ना सिर्फ वो मेरा कोई बात नहीं भाभी, अब तो सारा जमाना ही शाफे और मुझसे नफरत करता है। आपने कर ली तो क्या हुआ? चले हम अपने घर चलते हैं। तुमने मेरी मासूम बहन एक बार फिर दिल दुखाया, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दिल करता है तुम्हें अभी और इसी वक्त ना सिर्फ इस घर से अपनी जिंदगी से भी निकाल दो। भैया क्या हो गया आपको? आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ रहा जाए। भैया आपको मेरी कसम, आप कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, प्लीज। चले शाफे, अल्लाह उम्र दराज कर। आमीन। बस भैया तुम ये समझ लो कि तुम अपनी माँ के घर आए, और तुम देखना मैं तुम्हारा ख्याल एक माँ की तरह करूँ। शाफे तुमने अपनी माँ को माफ नहीं किया बेटा। ममुना
शाफे को नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा। सो जा मेरे राजा, सो जा मेरा बेटा, सुबह सवेरे जागेगा, खेलेगा भागेगा, तू ही मेरा चंदा, तू ही मेरा तारा, सो जा मेरे बेटा, सो जा मेरे बेटा, सो जा मेरे बेटा, सो जा मेरे बेटा, सो जा मेरे बेटा। नसीम, हमारा बेटा तो कब का सो चुका, गहरी और अबदी नींद अपने आप को संभालो, होश में रहो। अगर अगर तुम्हें हवास खो बैठी हो तो उसकी बख्शिश के लिए दुआएं कौन मांगेगा? बख्शिश? बख्शिश के लिए उसे तुम्हारी लोरियों की नहीं, हमारी दुआओं की जरूरत है। हमारी दुआएं, वो रात तक रहा होगा हमारी दुआओं की। नसीब, नादानी में सारी जवानी गुनाहों की नजर कर गया, अब उसे सिर्फ मेरी और तुम्हारी दुआएं ही सजा से बचा सकती। सजा? हाँ, सजा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कोई सजा नहीं हो सकती, मेरे बेटे को कोई सजा नहीं दे सकता। मैं इसकी सारी सजाएं अपने ऊपर ले लूंगी। या मेरे मालिक, या मेरे मालिक, मेरे बच्चे को माफ कर देना, या मेरे खुदा, मेरे बच्चे को माफ कर देना। तू तो अपने बंदों को 70 माँ से ज्यादा चाहता है ना, बता, चाहता है ना? तो इस माँ की ममता का वास्ता मेरे बच्चे को माफ कर देना, या मेरे मालिक, मेरे बच्चे को माफ कर देना। एक माँ की दुआ नहीं सुन सकता, सुन ले मेरे मेरे बच्चे को माफ कर दे, माफ कर दे उसे भी और मुझे। मानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की, बहुत गुनाह की, धोखा दिया तुम्हें, तुम्हारे भाई को, शाफे को। जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे बेटे को एड्स। मैंने फिर भी तुम्हारी शादी उससे की, क्योंकि मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती थी। मामता की खुदगर्जी से मजबूर हो गई थी मैं। मैंने तुम्हारी जिंदगी को खिलौना बनाकर उसके हाथ में थमा दी। बहुत बड़ी गुनहगार,
भैया मुझे माफ कर दो बेटा, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो भैया। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें अपने होने वाले बच्चे की कसम मुझे माफ। मेरे होने वाले बच्चे की कसम नहीं देगी आप भैया को। शाफे, 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 शाफे। भैया, 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 भैया क्या हुआ तुम्हें? भैया तुम ठीक? मैं माँ को बुलाता हूँ, तुम ठीक हो ना? माँ, माँ। शाफे, शाफे। शुक्र है तुमने आंखें तो खोली। मां, मैं कहाँ हूँ? मेरे बच्चे तुम हॉस्पिटल में हो, सब ठीक है, अल्लाह के फजल से तुम ठीक हो। और बेबी? अल्लाह के फजल से वो भी ठीक है। तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर आयशा आ गई, अगर मेरी बात पे तसल्ली नहीं है तो उससे पूछ लो। क्या बात है भैया, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? अब तो माशाल्लाह से तुम ठीक हो गई हो। बच्चे की फिक्र हो रही है इसे। भैया, तुम एक बाहिम्मत और बहादुर लड़की हो। तुमने तो ये सफर एक चैलेंज समझ के शुरू किया था ना, तुम मौत में से जिंदगी को पैदा करने जा रही हो। और मैं जानती हूँ इस सफर में बहुत अजियतें हैं, तुम्हें कदम कदम पे तकलीफें उठानी पड़ेंगी। अगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हिम्मत नहीं हारोगी। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि मेरी हिम्मत और आपकी लाख कोशिशों के बाद भी अगर मेरा बेबी एचआईवी पॉजिटिव हुआ तो नहीं गया। हमने तुम्हें वो सारी मेडिसिन ऑलरेडी दे दी हैं जिससे तुम्हारे बच्चे में एचआईवी पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। तुम्हें पता है भैया, अब अमेरिका में 200 से भी कम सालाना बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पैदा होते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मेरी बिया एक बहुत ही सेहतमंद और हर बीमारी से पाक बच्चे को जन्म देगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मां, शाफिक कहाँ है? वो शाफे और तबरीज बाहर है, मैं जाकर भेजती हूँ शाफे को तुम्हारे पास। हिम्मत नहीं हारने दिया, बी ब्रेव, ओके? क्या यार भांजे, तुम भी अजीब आदमी, क्या हो गया है तुम्हें? अरे जिनके पहली औलाद होती है ना, उन लोगों के पैर जमीन पर भी नहीं टिकते, तुम लोगों के मुंह लटकाए बैठे हो यार। मामू, मुझे तो लगता है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन वैसे ही सरकती जा रही है। पैर मेरे भी जमीन पर नहीं टिक रहे, लेकिन गिर जाने के खौफ से लरस रहे हैं। देखो मियां,
ये फलसफे वाली बातें ना मेरे साथ मत किया करो। ये मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, खुशी का वक्त है। मामू बिया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जान बिया बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह का शुक्र शी इज ओके। ठीक है अब? हाँ हाँ बेटा, पहली पहली प्रेगनेंसी में लड़कियों के साथ ऐसा होता रहता है, कभी तबीयत ऊपर होती है कभी नीचे होती है, इट्स नॉर्मल। मैं बिया को देख के आता हूँ। ये लीजिए नाश्ता। टाई लगाएंगे, मैं लाके दूं? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दूसरों की मोहताजी से महफूज कर दिया। नासिर बस भी कर दें, इतनी लंबी तो आपकी नाराजगी मेरे साथ कभी भी नहीं रही। माफी भी मांग चुकी हूँ आपसे, बस कर दें, बस मूड ठीक कर लें अपना। ताबिंदा, दूसरों का दिल दुखाना तुम्हारी फितरत में शामिल है, जिसे तुम गलती कह के झूठ मूठ माफी मांगती फिरती हो। कसम से सच्चे दिल से कह रही हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। किसी कौन ताबिंदा? एक राबिया थी जो तुम्हारी आंखों में खटकती थी, जिसका दिल तुमने हमेशा दुखाया है, वो तो बहुत अच्छी थी, जल्द इस दुनिया से चली गई। दूसरी ये बिया, मेरी मजलूम बहन, जो अपनी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रही है, और शायद वो भी जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाए, और तीसरा रह जाऊंगा मैं। ना जाने मैं कब तक तुम्हारी इस कड़वी जुबान को सहता रहूंगा। हाय रब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी, कभी नहीं सताऊंगी। आप कहेंगे तो मैं बिया से माफी मांग लूंगी। वैसे तो उसने मुझे माफ कर दिया था। देखो ताबिंदा, आज मैं बहुत अरसे के बाद ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हारे पास कोई दुआ है मुझे देने के लिए, या ऐसी ही बातें करके मुझे रुखसत करोगी? खुदा का वास्ता है, आज मुझे दुखी दिल के साथ मत रुखसत करो। नासिर, अल्लाह के हिस्सों मान में जाएं और खैर खैरियत से वापस आए। आपकी बीवी हूं मैं, जिंदगी के दुख सुख काटे मैंने आपके साथ, आपके लिए दुआ नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? नाश्ता तो करते जाए। ऑफिस आके कर लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ताबिंदा, तुमने मेरी मासूम बहन एक बार फिर दिल दुखाया, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दिल करता है तुम्हें अभी और इसी वक्त ना सिर्फ इस घर से अपनी जिंदगी से भी निकाल। ठीक हो? तंग किया ना मैंने आप लोगों को, बार बार हॉस्पिटल ले जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम्हारी खातिर अगर
दिन में 10 बार भी अस्पताल जाना पड़ेगा ना तो हम लोग तंग नहीं आएंगे। मामू अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मैं डॉक्टर आयशा से कहकर आई हूँ कि मैंने नहीं आना अब हॉस्पिटल। मेरा दिल घबराता है वहाँ। वो जो भी मुझे मेडिसिन देंगी ना मैं बाकायदगी से घर में खा लूंगी। वो जो भी ताकीद करेंगी मैं उसे फॉलो करूंगी लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा जैसा तुम चाहोगी। बेटा मेरा तो दिल चाहता है कि मैं भी फैक्ट्री ना जाऊं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं सारा सारा दिन तुम्हारे साथ यहाँ गुजारूं घर में। पता है मैं दादा बनने वाला हूँ। दादा अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं। मसलन कौन से काम करने हैं आपने मामू? लो अभी मैंने आने वाले बच्चे के लिए उसका कमरा तैयार करना है। उसके लिए खिलौने खरीदने हजारों। उसको अपनी अपनी पीठ पे बिठाकर घुमाना है पूरे शहर में। पता नहीं क्या क्या करना है। शाफे शाफे तुम्हारी नाक से खून। तुझे क्या कहूँ मेरी हमनावा।